स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल टेक्निकल में। मैं हूं सुरेश और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा जो बोया का माइक है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज से 1 साल पहले मैंने बोया का माइक खरीदा था। मैंने YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे आवाज में कुछ दिक्कत लग रही थी, तो मैंने नेट पे सर्च किया कि कौन सा माइक लेना चाहिए जिसके लिए जो आपके वीडियो हैं, YouTube वीडियो जो आप बनाते हो उसमें साउंड अच्छी आने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं या फिर आपको जरूरत है माइक की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बोया के माइक के बारे में पूरा रिव्यू यहाँ पे बताने वाला हूँ। 1 साल बाद यूज करने के बाद में क्या स्थिति इसकी रहती है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये बोया का माइक जब भी कहीं से भी परचेज करते हो या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो एक जो बॉक्स है आपको इस तरीके का बॉक्स मिलेगा, ये वाला। ये थोड़ा पुराना हो गया है, 1 साल हो गई है इस पे। देखो यहाँ पे बच्चों ने कुछ लिख भी दिया है। तो ये बोया का जो माइक आप ऑर्डर करते हो तो इस वाले बॉक्स में आएगा सारा कुछ। और इस बॉक्स में क्या चीज आती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस बॉक्स में इस तरीके की ये जो है थैली आती है, ये बहुत ही सॉफ्ट थैली रहती है। और अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वाली थैली के अंदर आपको क्या मिलेगा। इस वाली थैली के अंदर आपको एक तो माइक मिलेगा ये वाला, और दूसरा एक इस तरीके की जो है पन्नी मिलेगी, एक पैकेट मिलेगा। और इस पैकेट के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। इस पैकेट के अंदर एक तो इस तरीके की ये पुड़िया है, और इसके अंदर एक और ये चीज है जो आपको मिलती है, ये वाली पिन है बड़ी वाली। ठीक है, तो मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ इन सब के बारे में अच्छे से। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माइक रखा हुआ है ये वाला, और ये जो बड़ी वाली पिन होती है ये, और ये इसका एक फॉर्म टाइप सा होता है बहुत ही स्पंज होने वाला, और ये आप लगा सकते हैं इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो चीजें इस बॉक्स के अंदर आती हैं वो चीजें आप यहीं पे देख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। इस वाले जो थैली है इसमें ये पूरा सामान रखा होता है, ये वाली थैली इसमें रखी होती है। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी वाली पेन है इसका बेनिफिट ये है कि जब आप किसी भी DSLR में भी इसे लगा सकते हैं, या फिर कोई एम्पलीफायर जो होते हैं माइक यूज करते हैं जैसे साउंड वगैरह के लिए चाहिए, गाना बजाने के लिए, तो उसमें भी ये आप लगा सकते हैं। और इसको हम यूज करेंगे इसमें इस तरीके से, ये वाली जो छोटी वाली पिन है वो यहाँ पे इस तरीके से लग जाती है। तो जहां पे भी बड़ी पिन आपको यूज करनी है ये वाली पिन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये छोटी वाली पिन आप समझ ही गए होंगे, ये आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इसका मेन बेनिफिट है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो लगभग लगभग आप 8 से 10 कदम पे खड़े होके वीडियो बना सकते हैं, और आपकी साउंड जो है आपके कैमरे या फोन में आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई है। जो वायर है वो 8 से 10 कदम तक आप दूर खड़े होके अपने फोन से वीडियो बना सकते हो और आपकी साउंड। और ये देखिए यहाँ पे इसमें क्लिप दी हुई है, आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपने शर्ट में जैसे लगा लेते हैं वो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो क्लिप भी बहुत अच्छी है इसमें। और ये वाला जो पोर्शन है देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया है, और खरीद भी सकते हैं इसे ऑनलाइन। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या पोर्शन है इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये बोया लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैमराज ऑफ स्मार्टफोन ये लिखे हुए हैं। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, ये लिखे हुए हैं। और ठीक यहीं पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला बटन है। और तो ये आप यहाँ ऑफ और यहाँ कैमरा पे कर सकते हो। तो इसका यूज मैं बता देता हूँ कि जब आप ये ऑफ कर देते हो, मीन्स जब वीडियो आपको फोन से बनाना हो तो आपको ये ऑफ कर देना है, इसके चालू करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो आपकी साउंड अच्छे से रिकॉर्ड होगी। उसके अलावा जब आप इसे किसी DSLR कैमरा वगैरह या फिर लैपटॉप में यूज करते हो तो आपको ये बटन ऑन करना होगा कैमरा वाली साइड में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, अंदर इसमें है एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से वो लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी वाली बैटरी लगी हुई है, और इस
ये जो यहाँ पे एक छोटा सा रिबन टाइप सा लगवा, ये इसे खींच के आप इसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये छोटी सी बैटरी होती है, ये 50-60 रुपए में मिल जाती है आराम से मार्केट में। ये रेडी वाले रहते हैं जो प्लास्टिक सामान बेचते हैं, उनके पास से भी ये मिल जाती है। ये देखिए, ये जो रिबन है ये इस तरीके से रहता है, और आप जब इसे दोबारा से लगाते हो तो आपको ये फिर से ऐसे ही लगा देना, और इसके ऊपर से आपको ये बैटरी यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है, ठीक है। और आप इसको फिर से यहाँ पे इसे ऐसे ठीक से कर लें, इसे लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इतना नाजुक नहीं है, काफी हार्ड मेटल का बना हुआ है ये, कभी आप ये सोचें कि टूट जाएगा तो ये बहुत सही है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जब आप इसे यूज करते हो लैपटॉप पे या DSLR कैमरा वगैरह पे, तो आपको इसको ऑन करने की जरूरत है, बैटरी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप फोन पे बनाते हो तो आपको इसमें बैटरी की कोई जरूरत नहीं है, तब इसकी साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो सकती है आराम से, और हो भी जाती है, मैंने किया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो इसकी बैटरी है वो बैटरी खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद में जब आप लैपटॉप से या DSLR कैमरा से ये वीडियो बनाते हो तो उसमें साउंड जो है अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ये बैटरी उस टाइम पे बदल लें, तब ये साउंड अच्छी आने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ये इस वाले पैकेट में मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि आप YouTube वीडियो बनाते हैं और आपको अच्छे माइक की जरूरत है, तो आप बेझिझक इस माइक को ले सकते हैं, बोया वाले माइक को, ठीक है। बोया का माइक जो है आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं बोया का माइक तो आप ले सकते हैं, इसमें साउंड भी अच्छी आती है और आपके जो वीडियो हैं वो भी क्वालिटी साउंड के साथ में बनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दूसरों के साथ में शेयर करें, और आप ये अगर ये खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं आसानी से। तो इसका जो प्राइस है वो जब मैंने ये खरीदा था तो 900 रुपये था, लेकिन इसके जो प्राइस है वो समय समय पर अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये कितने प्राइस में इस टाइम पे होगा, 700 से 800 के आसपास होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आप ये वाला जो माइक है यूज कर सकते हैं और अपने वीडियोस में अच्छी साउंड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।